क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 15th क्वेश्चन, टू बबल ऑफ रेडियस R1 एंड R2, बबल्स, सोप बबल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का क्वेश्चन है। टू बबल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, वेयर R2 इज ग्रेटर देन R1, दो सोप बबल है रेडियस R1 एंड R2 की, R1 R2, R2 इज ग्रेटर देन R1, दो बबल है हमारे पास R1 R2, R2 R1 से बड़े, सेम लिक्विड, सेम सरफेस टेंशन, सेम प्रॉपर्टीज, दे कम टूगेदर टू फॉर्म ए बबल इन आइसोथर्मल कंडीशन इन वैक्यूम, दोनों आइसोथर्मल कंडीशन में आ रहे हैं और एक बबल बना रहे हैं, मान लो रेडियस R की, देन रेडियस ऑफ द न्यू बबल, दोनों एक तरीके से मर्ज हो रही हैं, कोलिस हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, आइसोथर्मल कंडीशन इन वैक्यूम, इसका क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट लगनी है। देखो भैया ऐसा है, पहले तो बेसिक समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सोप बबल की अपनी एक सरफेस एनर्जी है, हर सोप बबल की, दो सोप बबल है दोनों के पास कुछ एनर्जी है, मान लो एक बबल के पास 10 जूल है, एक के पास 15 जूल है, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली मालूम है, ज्यादा सरफेस टेंशन मतलब ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी, और सरफेस एरिया जितना फैला हुआ सरफेस एरिया होता है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है भाई, तभी तो एनर्जी को कम करने के लिए लिक्विड की टेंडेंसी होती है अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करें, उसी प्रॉपर्टी को तो सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड की अपने सरफेस एरिया को कम करने की, एनर्जी को कम करके स्टेबिलिटी के लिए तो दुनिया का हर प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी को मिनिमाइज करके स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है लिक्विड, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है, सर सरफेस एरिया मिनिमाइज करने तो होती कितनी है, तो सरफेस एनर्जी, तो अगर स्फेरिकल ड्रॉप है तो उसकी सरफेस एनर्जी होती है T × 4πr², इसकी जिसकी रेडियस R1 है उसकी सरफेस एनर्जी होगी T × 4πr², जिसकी रेडियस R2 है उसकी सरफेस एनर्जी होगी T × 4πr², दोनों की एनर्जी जोड़ दो तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आ गई। अब बताओ वैक्यूम में इस एनर्जी को कौन खा जाएगा या कौन नई एनर्जी पैदा कर देगा, तुम हो क्या वहां पे, कोई है वहां पे, वैक्यूम है वहां पे तो कोई कुछ है ही नहीं वहां पे, तो वैक्यूम में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो जो आइसोथर्मल कंडीशन लगी थी जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर बदल दोगे तो फिर वो भी तो हो जाएगा, हीट वीट आ जा रही है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी कुछ हीट के फॉर्म में रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होती, तो फिर तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन ना लगा पाती, या फिर हीट का भी लेना पड़ता है एस्पेक्ट, हीट तो लेना नहीं है, आइसोथर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर वही है, हीट ना एक्सचेंज हो रही है ना एब्जॉर्ब ना रिलीज, वैक्यूम का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो दोनों बबल के मर्ज होने के पहले जो सिस्टम की एनर्जी होगी, ये मर्ज होने के बाद जो फाइनल इस लिक्विड ड्रॉप की सिस्टम की एनर्जी होगी, बताओ उसमें कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी, दोनों सेम होंगी, दोनों लिक्विड ड्रॉप के मर्ज होने के पहले और दोनों लिक्विड ड्रॉप के मर्ज होने के बाद सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी घटेगी वही रहेगी, ऑब्वियसली सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं इसकी सरफेस एनर्जी लिखते हैं T × 4πr² इसकी लिखते हैं T × 4πr² इसकी लिखते हैं T × 4πr² वही लिक्विड ऐसा तो है ना वाटर वाटर के साथ मिलकर अल्कोहल बन जाएगा वैक्यूम में, ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा तो जब नहीं होना है तो टी वही है काट दो, लिक्विड वही है तो सरफेस टेंशन वही है, सरफेस टेंशन लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, 4π भी पूरे से कट गया तो ये बन गया R² = R1² + R2² R1 R2 रेडियस है और R है कंबाइंड ड्रॉप की रेडियस, R1 R2 वो रेडियस है जिन ड्रॉप से मिलके बन रही है कोलिस होने के बाद इंडिविजुअल ड्रॉप की रेडियस, और R है जो हमारी फाइनल रेडियस है, R1 R2 के टर्म्स में तो उनसे चाहिए था, तो R² अगर R1² + R2² है इसमें अंडर रूट लगा दो तो R हो जाएगा √R1² + R2² R √R1² + R2² इज द फाइनल आंसर, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन